हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तगणों को, सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाले हैं कि अगर आप कोई नया ई रिक्शा खरीद रखा है आपने, उसकी स्पीड नहीं आ रही है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस किस वजह से उसकी स्पीड नहीं आ रही है, अच्छी स्पीड वो नहीं दे पा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपने कोई पुराना रिक्शा चला रहे हो या पुराना रिक्शा हो गया है आपका, अब वो तब भी वो स्पीड नहीं दे रहा, तो उसमें भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपके वो रिक्शा स्पीड नहीं दे रहा है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ठीक करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप जो इम्प्रूव कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ें जो अपने अपने आप खुद से अपनी इस रिक्शा की स्पीड बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपकी बात करने वाले। तो वीडियो पूरी एंड तक देख के ज़रूर जाना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किसका कर रहे हो, नीचे दिए हुए वीडियो पे क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ई रिक्शा की स्पीड होती कितनी है। गवर्नमेंट जो अलाउड है, जो आईकेयर अप्रूव जो रहता है, वो आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है ई रिक्शा का। इससे ऊपर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार ई रिक्शा को आईकेयर अप्रूव नहीं करती इससे ज़्यादा स्पीड को, जिसमें कुछ ई रिक्शे आपको 25 की भी देते हैं, 30 की भी देते हैं, लेकिन 25-30 की जो मैंने देखा है, 25-30 की रेंज में आपका सारे ई रिक्शा चलते हैं, जो कि सही स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी, कुछ पार्ट्स बस चेंज करने, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, जो ई रिक्शा है वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है। अगर उसमें आपने स्पीड बढ़ाई, तो अब जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ाने पे वो पलटने का खतरा ज़्यादा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ई रिक्शा के कौन कौन से पार्ट हैं जिसकी वजह से आपकी ई रिक्शा की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या क्या चीज़ें हैं। बैटरी में सबसे पहले देखिए, जो उसके जो प्लग पे कार्बन जम जाता है, उसको साफ़ करिए, क्योंकि उसको कार्बन जमने से वो उसकी एफिशिएंसी नहीं दे पाता और आपकी स्पीड कम हो सकती है। फिर वाटर लेवल चेक करते रहिए, बेसिकली बैटरी को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बैटरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पीड को कंट्रोल करने में, स्पीड की कम ज़्यादा होने में। तो ये कार्बन और वाटर लेवल चेक करना, ये दो चीज़ें वो हैं जो आप खुद अपने आप से कर सकते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी फॉल्ट है, तो आपको टेक्नीशियन पे जाना पड़ेगा, और ये नहीं कि किसी भी लोकल वोकल पे चले गए, नहीं, किसी जेन्युइन, किसी ऑथोराइज्ड, या मैं कहूँ किसी एक्सपीरियंस बंदे पे जाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि ये टेक्निकल चीज़ें अगर हम किसी भी नॉर्मल लोकल बंदे पे चले जाते हैं, जिसको नौसिखिया होता है, वो आपकी रिक्शा की ऐसी तैसी कर देगा, और रिक्शा जो है 10% ख़राब था, वो 100% या 50% ख़राब करके छोड़ देगा। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, टेक्नीशियन पे जाना है, बढ़िया बंदे पे जाना है। अगली चीज़ जो आती है ई रिक्शा के स्पीड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर डायरेक्टली करता है स्पीड पे वर्क। ठीक है, स्पीड डायरेक्टली कंट्रोलर पे आती है। अब देखिए, सबसे पहले जो कंट्रोल में खराबी आ सकती है, वो उसकी वायरिंग आ सकती है, जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं, भाई वायरिंग कहीं निकली तो नहीं है, वायरिंग कहीं जली तो नहीं है, कटी वटी तो नहीं है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ कंट्रोलर में, मैं अगर डायरेक्ट बात करूँ, सीवाय के कंट्रोलर में मैंने देखा है कि उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें लाइट दे रखी होती है कि कोई भी डिफॉल्ट आएगा, टॉगल डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, चार तरह के डिफॉल्ट होते हैं, कोई भी डिफॉल्ट आएगा तो अपने आप ही लाइट जल जाएगी, तो आपको आसानी से बच जाएगा, ये डिफॉल्ट है, वो ठीक करा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप खुद चेक कर सकते हैं ई रिक्शा में, अगर कंट्रोल में कोई भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा फिर से कोई चीज़ आए, कुछ डिफॉल्ट आएगा, तो आपको टेक्नीशियन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज़ जो आती है, जो कि फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है मोटर। अब मोटर में क्या खराबी आ सकती है, देखिए मोटर में होता क्या है कि अगर आपका मोटर वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि पानी पड़ जाने से उसके जो, जब आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे चला रहे हैं, ऐसी रोड पे चला रहे हैं, जहाँ पानी भरा पड़ा है, और आपका मोटर भी पानी के कॉन्टैक्ट में आ गया है ज़्यादा देर तक, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके मोटर में है, मोटर के मैग्नेट में पानी घुस जाएगा, जिसके कारण मैग्नेट डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं ले पाएगा, जो कि जाहिर सी बात है स्पीड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि आप मान लीजिए किसी फ्लाईओवर पर चढ़ा रहे हैं, तो आपने एक्सीलेटर बहुत तेज़ दे दिया कि चढ़ 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 चढ़, उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर आपका ओवरहीट हो जाएगा, कंट्रोलर मोटर दोनों में फ़र्क पड़ेगा, ओवरहीट हो जाएगा, और उसकी अंदर की वायरिंग में भी कुछ डिफॉल्ट आ सकता है, वायरिंग भी आपके यहाँ पे गर्म होकर जल सकती है, पिघल सकती है, जो कि फिर से आपका उसको टेस्ट कराना पड़ेगा।
तो तीन चीज़ें आपको मैंने बता दी, पहले बैटरी थी, दूसरा कंट्रोलर था, तीसरा मोटर था। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी ई रिक्शा की स्पीड बढ़ती घटती है, ये नए पुराने दोनों ई रिक्शे के साथ हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन चीज़ों को अच्छे से रिपेयर कराइए। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ई रिक्शा जो कि बहुत ही माइनर सा पॉइंट है, लेकिन ई रिक्शा की स्पीड ई रिक्शा के वेट पर भी डिपेंड करती है। जितना भारी रिक्शा होगा उतनी कम स्पीड देगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट पे अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे उस पर जल्दी से जल्दी। उसके अलावा अगर आपको अपनी ई रिक्शा की, मान लीजिए आपको ई रिक्शा है उसकी वीडियो बनानी है, आप पे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी आपको वीडियो बनानी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, नीचे जो कमेंट सेक्शन आ रहा है उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई हमें वीडियो बनानी है, अपना नंबर वहाँ पे डाल दीजिए, नहीं नंबर नहीं डालना तो अपनी मेल आईडी डाल दीजिए, उस पे हम आप पे आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपका आपके जल्दी से जल्दी आपके वहाँ पे शूट करने आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार हम प्यासी बना रखें। धन्यवाद।